बॉलीवुड के संजय बाबू यानी संजय दत्त का मुसीबतों से पुराना रिश्ता है, ये हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल हाल ही में संजय दत्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंधेरी सेंटर अदालत पहुंचे। इस अदालत ने कई साल पुराने मामले में संजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि संजय पर शकील नूरानी को धमकाने का आरोप है। दरअसल संजय ने शकील से उनकी फिल्म जान की बाजी में काम करने का वादा किया था, लेकिन संजय ने ना तो इस फिल्म में काम किया और ना ही नूरानी को 50 लाख रुपए लौटाए, जिसके बाद नूरानी को अदालत का रास्ता अपनाना पड़ा। नूरानी ने संजय के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें संजय पर अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी दिलवाने का आरोप लगाया गया था। वैसे आपको बता दें कि साल 2013 में जब संजय ने अदालत में आने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन बाद में संजय की अदालत में पेशी के बाद उसे निरस्त कर दिया गया। संजय की परेशानी यही नहीं रुकी, इसके बाद वो हथियार के केस में 4 साल के लिए जेल चले गए थे, जिसके बाद साल 2016 में संजय जेल से बाहर आए, जिसके बाद शकील नूरानी के वकील नीरज गुप्ता ने फरवरी में संजय की कोर्ट में पेशी के लिए याचिका दाखिल की है। वही संजय का कहना है, ये केस लंबे अरसे से चल रहा है, इसलिए वकीलों के साथ हमारे कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये स्थिति आई। हमारी हाजिरी के लिए माननीय अदालत ने जो तत्परता दिखाई है उसका हम सम्मान करते हैं और स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे।